अगर आप लंदन में रहते हैं और आप एक आउटिंग करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा आप खर्चा करना नहीं चाहते हैं तो ये वाली ट्रिप आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको नियरेस्ट कहीं आउटिंग करनी हो, आप एक घंटे में लंदन से बाहर पहुंच सकते हैं और सवा घंटे में बीच पे पहुंच जाएंगे। मेनली आपको लंदन ब्रिज पहुंचना होगा, यहां से टिकट लेनी होगी ब्राइटन की, जो कि यहां पे बहुत सस्ती पड़ती है। तो आज हम आपको ब्राइटन ही दिखाएंगे और नीला पानी दिखाएंगे यहाँ के समुद्रों का। तो चलिए आज चलते हैं ब्राइटन और चल के बीच में मजा करते हैं। लेट्स गो। मैं हूं अंकिता। और मैं हूं नितिन। वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन लंदन। लंदन ब्रिज स्टेशन से मैंने टिकट्स ले ली है। ऐसी दिखती है ये टिकट्स और इस पे लिखा होता है आउटवर्ड या फिर रिटर्न। तो आउटवर्ड मतलब यहाँ से जाने के लिए ब्राइटन और रिटर्न मतलब वापस आने के लिए। तो आप रिटर्न टिकट्स डायरेक्टली स्टेशन से ले सकते हैं ब्राइटन की, और दो से ज़्यादा अगर होंगे लोग तो आपको ग्रुप डिस्काउंट भी मिलता है। तो हमें अभी तीन लोगों की जो टिकट है वो पड़ी है £27 की, और वीकेंड पे जब आप स्पेसिफिकली ट्रैवल करते हैं तो आपको हमेशा टिकट सस्ती पड़ती है रादर देन वीकडे। वीकडे पे हमेशा टिकट्स महंगी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटन की तरफ कौन सी ट्रेन जा रही है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। एक अल्फाबेटिकली डिजाइन है। ब्राइटन की प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे 1:35 पे चलेगी। पहुंच गए हैं ब्राइटन के स्टेशन पे और यहाँ काफ़ी मूवीज शूट हुई हैं। अगर आपने भागम भाग देखी हो तो वो सारा इसी एरिया में शूट करते हैं। अब हम निकल रहे हैं बाहर। स्टेशन से सीधा सीधा आपको चलते जाना है और आप बीच पे पहुंच जाएंगे। लगभग 5-10 मिनट्स की वॉक है। आज काफ़ी अच्छा दिन है, एक तो लॉन्ग वीकेंड है और काफ़ी धूप है, काफ़ी अच्छा सनी डे है जो कि यूके में कमी देखने को मिलता है। तो आज मौसम भी बढ़िया है और छुट्टी भी है, तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। टेम्परेचर है इस वक्त 16 degrees, जो कि काफ़ी अच्छा है, और मतलब हल्की हल्की हवा है और प्रॉपर धूप है एकदम तेज़ वाली। चार छुट्टियाँ हैं, दो बैंक हॉलीडेज हैं। हर बार ये बैंक हॉलीडेज वीकेंड के आसपास ही आते हैं ताकि आपको लॉन्ग वीकेंड मिल सके। अभी चल रहा है अप्रैल बैंक हॉलीडेज। आने वाला है बीच सामने। बीच में खा पी के हम लोगों ने पेट पूजा कर ली है बीच जाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे सच खाने से ज़्यादा थोड़ा पब वाला सीन ज़्यादा होगा। तो हमने अपना ब्रेक ले लिया है, हम जा रहे हैं बीच पे। स्विम वेयर मिल रहा है यहाँ पे, हाथ के हाथ कोई भूल गया हो तो। पहला नज़ारा, ओ बाप रे, सो मच क्राउडेड। ये होता है लंदन में जब धूप निकलती है, यूके में जब धूप निकलती है। वॉकिंग टूवर्ड्स द बीच, पब के नज़ारे, मज़ा आ रहा है देख के। वैसे पूरा समर का माहौल है, पूरा यहाँ पे खुल चुका है, टूरिस्ट एकदम भरे पड़े हैं। कुछ टूरिस्ट हैं, कुछ लोकल्स होंगे, कुछ हमारे जैसे डे ट्रिप वाले होंगे। इतना रश मतलब कोविड के बाद 2 साल बाद ही देख रही होंगी मैं आज। आ गए हम लोग बीच पे। क्या इनका ध्यान नहीं हट रहा पानी से? वो वहीं पे देखे जा रहा वेव्स को। हाय। सामने है ब्राइटन पियर।
वहाँ पे झूले वगैरह और काफ़ी चीज़ें हैं कि यार नहीं क्या डर गया डर गया डर गया बहुत रश है बट बहुत बड़ा बीच है तो काफ़ी स्पेस भी है दूर दूर तक लोग बैठे हैं बहुत सारे ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं इस टावर का नाम है I360 और इसमें बैठ के आप ऊपर जा सकते हैं 450 फीट और ऊपर से आपको आएगा पूरा सिटी का मज़ेदार व्यू तो वो आप ले सकते हैं वहाँ पे जाकर बट हाँ थोड़ा दूर है यहाँ से वहाँ तक नहीं जा रहे हम बट वो भी एक ऑप्शन है यहाँ पे देखने की और सामने जस्ट वहाँ पे विंडमिल्स लगी हुई है सी के बीच में लेकिन वो इस वक्त इतना क्लियर नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस वक्त लेकिन आई डोंट थिंक कि कैमरे में वो कैप्चर हो पा रहा होगा बट सामने की साइड पूरी लाइन से विंडमिल्स लगी हुई है हम लोग जा रहे हैं पियर की तरफ ये है सी साइड पे पूरी भीड़ और ये पब्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे कॉकटेल्स और ड्रिंक्स का एंजॉय कर रहे हैं लोग आराम से जितने भी पब्स हैं सारे भरे हुए हैं आज तो यही है यूके का कल्चर जब भी टाइम मिले धूप में अपना ड्रिंक्स एंजॉय करो अपना धूप एंजॉय करो सन टैन लो और मज़े से टाइम स्पेंड करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ सी फूड यूके के फिश एंड चिप्स भी काफ़ी फेमस है और अगर आप फिर नॉनवेज खाते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सी फूड अवेलेबल है तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई हियर बीच वाली जगह पे झूले वगैरह मिल जाते हैं ज़्यादातर ये वाला झूला है ना ये मुझे बहुत पसंद है ये मूवीज में भी दिखाते हैं बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये जब किन्नू बड़ा हो जाएगा तब बैठूंगी किन्नू के साथ लुक एट दिस लिटिल डूड इसको नहीं बैठना अपने प्रेम में इसको बस खड़े होना है और खाना है और सब कुछ खाना है सब कुछ टेस्ट करना है लाइफ में हम लोग जा रहे हैं पियर की तरफ मैं पहुंच गया हूं पेयर के एंड पे मस्त नज़ारा है देखिए पेयर के एंड से कितना सही लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे हैं ये झूले बड़ा डेंजरस है ओ भाई ऊपर भी हैं दो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने है जिगरा इस झूले को लेने का अब निकलते हैं हम घर और बस वीडियो करते हैं हम यहाँ पे एंड होप आप लोगों को आज की डे ट्रिप में मजा आया हो और आपको भी एक ऑप्शन मिली हो जहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन